मैं गलत लेन में आ गया भाई, बराबर से जवाब दिया ना मैं? ये मेरे साथ क्या हुआ, मुझे आज फिर से पुलिस ने पकड़ लिया। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, फोर्सफुली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं आपको। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल बाइकर मुस्तफ़ा। यहाँ पे रेडबुल तो मिलने से रही मुझे, अभी जो है आई हैव टू गो एंड सी समवेयर एल्स कि मुझे रेडबुल मिल जाए भाई। वैसे यूजुअली मैं चॉइस कॉर्नर से ले जाता हूँ, बट मेरे से बोले नहीं जा रहा सुबह सुबह, इतना ठंडी है यहाँ पे। ये भाई साहब सुबह खोलते हैं 9:30 बजे तक, सो इट्स 7:14 AM इन द मॉर्निंग। आई एम लीविंग सूरत, सुबह 5:30 बजे आग खुल गई मेरी। आई वेंट टू टेक माई बाइक, उसको थोड़ा साफ वाफ किया। अभी नकिया की सर्विसिंग तो मुझे बुरहानपुर में ही करना पड़ेगा अच्छे से ले जाके, इतना 1000 किलोमीटर चल के आई है ये, तो जाहिर सी बात है अभी उसको थोड़ा क्लीन अप चाहिए रहेगा, तो वो हम करेंगे। नकिया के ब्रेक पैड्स हमने चेंज करवा लिए भाई, वेस्ट्रा डलवा लिया नया। ओके फाइनली मुझे वेस्ट्रा मिल गया और उसको लगवा लिया भाई। वैसे इतना हार्ड नहीं होता कोई भी चीज मिलना, ओके बट ये आपके साथ हो सकता है अगर आपके दिन खराब है तो भाई, नहीं तो इंसान फॉरेन से मंगवा लेता चीजें भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। बट जिस दिन आपका खराब है ना, तो गया। मेरे पास दो ऑप्शन थे, आज सैटरडे है, मैं या तो आज निकलूं या फिर मैं कल निकलूं। यूजुअली आई चूज अनदर डे, नेक्स्ट डे, बट आज ऐसा मन हुआ कि आज ही निकल जाता हूँ। तो जो चीज जब होनी होती है ना, तभी होती है, नहीं तो इतना भी कर लो ऊपर नीचे आगे पीछे नहीं होता भाई। इसके लिए मैं जो है फ्लशर लाया हूँ, जो आप ऑयल में डाल सकते हो और उसको इस्तेमाल करके जो है आप जितना भी कचरा है वो बाहर फेंक सकते हो। सो बेसिकली इट क्लींजेस एवरीथिंग फ्रॉम इनसाइड, राइट? तो वो भी करेंगे, उसका वीडियो बनाऊंगा मैं, वो विस्टा का कंपनी का है, तो वो आपको देखने मिलेगा। 2-3 चीज़ें मैंने लिए हैं, जब उसको इस्तेमाल करूंगा तब मैं जो है आपको वीडियो बना के दिखा दूंगा कि कैसे करते हैं कैसे नहीं करते। अभी फ़िलहाल जो है हम सिटी में हैं, यहाँ से निकलते हैं और मिलते हैं आपको हाईवे के ऊपर। राइड ख़त्म होने वाली होती ना, तो मेरा आवाज़ का यही हालत होता है। ये हमने लद्दाख में भी देखा, साउथ इंडिया राइड में भी देखा और अभी जो है राजस्थान राइड में भी देख रहा हूँ मैं, कुछ अजीब सा प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या है। अगर आप देख रहे हो ये वीडियो और आपको कुछ आइडिया है उसके बारे में तो कमेंट डाउन बिलो। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और नए और पुराने लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। सो गुजरात में कोई ऑनलाइन लेतु नहीं, आई डोंट नो व्हाई, हमने भी इतनी प्रॉब्लम थे ने कि यहाँ पे इन लोगों जीपे लिया नहीं। वो तो अच्छा हुआ कोई बंदा मुझे मिल गया जिसने जो है मुझे कैश दे के जीपे ले लिया। सो फाइनली
मेरा काम यहाँ से हो गया। 386 किलोमीटर बाकी है यहाँ से, 8.5 घंटे बता रहा है। बिकॉज अपना रेडबुल वेडबुल हो गया है तो अभी अब आराम से यहाँ से जो है निकल पाएंगे। 386 किलोमीटर, और जब मैं सूरत से निकला 437 किलोमीटर समथिंग था, तो परहैप्स आपको 50 किलोमीटर चलना पड़ेगा टू गेट रेड बुल। वो बंदा देखने लग गया, उसका शिकायत किया तो ऑनलाइन नहीं है इनके पास। सूरत में भी जो है इतना तकलीफ, अगर ले रहे हैं तो फिर वो चाय वाला भी ले रहा है ओके, और नहीं ले रहे तो बड़े बड़े दुकान वाले भी नहीं ले रहे। एरिया वाइज इतना दिक्कत हो जाता है ना कभी कभी। अभी अपने आदत हो गई है ऑनलाइन पेमेंट करने की, ये सब वाइट हो चुका है और इनको कैश चाहिए भाई। यहाँ से जो है कम से कम 200 किलोमीटर मुझे सलंग खींचना है। 200 किलोमीटर जितना तो पेट्रोल मेरे पास रहेगा, और उसके आगे जाके मैं जो है पेट्रोल डलवाएंगा, क्योंकि मुझे अभी पेट्रोल डलवाना नहीं है। मैं 2-3 बार रुका अलग अलग होटल्स के ऊपर रेडबुल ढूंढने के लिए, वैसे भी बहुत लेट हो चुका है। 4:30 बजे पहुंचने का टाइम बता रहा था, अभी 5 बज गए, मतलब मेरा आधा घंटा ऐसे ही निकल गया। इमेजिन दिस, यही होता है। यहाँ पे लोग जो है ना बहुत हेल्पफुल है। मतलब एक बंदा था, वो खड़ा होके देख रहा था मुझे कि आई एम स्ट्रगलिंग टू मेक अ ट्रांजेक्शन। मतलब वो कैश मांग रहा था, मेरे पास कैश था नहीं, और फिर बाजू वाले दूसरी दुकान पे गया तो उसके पास भी नहीं था। और अगर उसको, उसने बोला कि अगर आप जीपे करोगे तो मुझे एक्स्ट्रा पैसे देना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो 3-4 रुपये काटते हैं जीपे वाले। ये थ्योरी तो मैंने पहली बार सुनी भाई। एनीवेज, कट टू द पॉइंट, वो बंदा आया और बोला कि सर आपको क्या चाहिए। मैं बोला, अनजान हाँ, बिल्कुल अनजान शख्स, ना जानता हूँ ना पहचानता हूँ ना मैंने उससे बात किया। मैं बोला सर कैश है नहीं मेरे पास, और यहाँ कैश के सिवा ट्रांजेक्शन ले नहीं रहे लोग। तो सर एक काम करो, मुझे आप पेमेंट कर दो ऑनलाइन, मैं 500 रुपये दे देता हूँ आपको। उसको ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया, 500 रुपये कैश ले लिया उससे। तो इतना बढ़िया लगा ना, दिल से दुआ निकलता है भाई ऐसे लोगों के लिए। होना चाहिए इंसानियत, ऐसा होना चाहिए। इसको देख के मुझे ऐसा लगा कि अगर कभी मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरे पास कैश है और सामने वाले के पास नहीं है और वो स्ट्रगल कुछ कर रहा है, तो मैं उसको बोलूँगा भाई आप मुझे जीपे कर दो, मैं आपको कैश दे देता हूँ, और एटलीस्ट आई विल हेल्प। मैं गलत लेन में आ गया भाई, बहुत गलत लेन में आ गया मैं। आपसे बात करते करते मैं बोल रहा ना, आज सुबह से मुझे ऐसा लगा कि भाई साहब ट्रैक्टर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, कुछ ज़्यादा ही ट्रैक्टर चल रहे हैं। अभी मुझे सन्न करके निकालना पड़ेगा, लगता तो ऐसा ही है, नहीं तो योग मेरे को यहीं पे डबा देंगे। सो गाइज, सर्वोत्तम महालक्ष्मी यहाँ पे मैं आया था रेडबुल लेने के लिए, और बहुत सारे लोग मिल गए, बहुत सारे सवाल थे, इनके जवाब दिया, बराबर से जवाब दिया ना मैं। चलिए मिलते हैं ओके। लेना है किसी और को फोटो लेना है तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से बुरहानपुर, यस सर, ये जलगांव के पास, महाराष्ट्र को लग के, रावेर से लग के, रावेर का बॉर्डर। ओके चलिए। सो गाइस, रेडबुल हो गया हमारा, क्या है बाइक को पेट्रोल का ज़रूरत है तो मुस्तफ़ा को रेडबुल का ज़रूरत है। दोनों साथ साथ में चलता तो अच्छा लगता भाई।
चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। यहाँ से जो है सीधा चलेंगे लंबा लंबा, रास्ते में बहुत दिक्कतें आ रही है। अभी जैसे जैसे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश आता रहेगा ना, बीच में दिक्कत आता रहेगा रास्ते में। अभी तो आगे तो पहाड़ी के बीच में से निकला, भाई टोटल ऑफ रोडिंग था, बट मैं रिकॉर्डिंग बंद कर चुका था तो फिर मैं खोला नहीं यार। बिल्कुल सही लोग, वो जो दो लोग जो थे जो फोटो खिंचवा रहे थे, देवर वेरी मच फैसिनेटिंग, कहाँ से आए हो, कहाँ है, क्या है। और वो फोटो लेने के लिए भी डर रहा था, पूछने के लिए कि ले के नाले। और अपन समझ जाते हैं भाई, राइडिंग करते करते अपने को बहुत टाइम हो गया, अभी पता चल जाता है ये क्या बोलना चाहता है सामने वाला बंदा। तो एक ने फोटो खिंचाया तो फिर सब आए धीरे धीरे, इसमें टाइम बढ़ जाता है भाई हमारा। और कोई बात नहीं, सब अपने बाइकर मुस्तफा की फैमिली है भाई, आप लोग हैं तो हम लोग हैं। सवाल ये था कि आपके वीडियोस को जो है इतना व्यूज क्यों नहीं आता। नाउ इसका जवाब बिल्कुल सिंपल है कि आपको मार्केट कैप देखना पड़ेगा कि मार्केट क्या है। ओके, क्या होता है कि आप जो भी मार्केट में हो ना, वो पर्टिकुलर मार्केट में बहुत सारे दिग्गज ऑलरेडी अवेलेबल है। ओके, तो जाहिर सी बात है कि जितना सब्सक्राइबर्स होता है बेस, उसके हिसाब से व्यूज तो आता ही है। और दूसरा कि जितने भी दिग्गज है उनके फॉलोवर ज़्यादा होते हैं, और जो नया नया यूट्यूबर है उसके वीडियोस पे व्यूज़ कम आते हैं। नाउ दूसरी बात यह है कि हमारी जो फील्ड है ये एंटरटेनमेंट फील्ड नहीं है। ओके, ये फील्ड है टेक्निकल, मतलब जिस बंदे को कॉमेडी या एंटरटेनमेंट चाहिए रहेगा वो मेरा चैनल क्यों देखेगा। ओके, या जिस बंदे को ट्रैवल का इंटरेस्ट रहेगा तो भले हम ट्रैवल करते हैं, ओके, व्लॉग्स बनाते हैं, बट वो मोटो व्लॉगिंग क्यों देखेगा, वो सीधा सीधा ट्रैवल व्लॉग्स देखेगा, राइट? तो ट्रैवल व्लॉग्स मतलब टिपिकल व्लॉग्स जहाँ पे हम जाके शूट करते हैं कोई भी पर्टिकुलर एरिया में या मार्केट में या तो मॉन्यूमेंट्स में, वॉट एवर इट इज़। सो यहीं पे जो है मार्केट डाइवर्सिफाई हो गया, अलग अलग हो गया एक सिंगल चैनल पे। तो जाहिर सी बात है ना, तीसरी बात ये है कि आप क्या देते हो। जैसे मैं अगर ये टाइटल डाल दूँ, ये मेरे साथ क्या हुआ, मुझे आज फिर से पुलिस ने पकड़ लिया, ये मुझे किसने पकड़ लिया, बाल बाल बचे, तो ये क्या है कि होता कुछ भी नहीं उसके अंदर, बट उन्होंने क्रिंज डाल दिया। अभी आप वो बाल बाल बचे क्या बचे क्या पता, वो ओरिजिनल में हो रहा है नहीं हो रहा है, या तो फिर वो टाइटल में डाल दिया ताकि वो काम करता है चल रहा है। हम वैसे वीडियो बनाते नहीं और ना तो वैसे वीडियो का टाइटल हम डालते हैं। सो बेसिकली हमारा जो चैनल होता है ना, वो मोटो व्लॉगिंग में भी एक बहुत ही अलग टाइप का टेक्निकल ओवरव्यू का चैनल होता है, जहाँ पे बंदे आते हैं जो हमें पसंद करते हैं और जो बाइक्स के बारे में, राइड्स के बारे में, कैसे राइड करते हैं, क्या पीते हैं, क्या खाते हैं ड्यूरिंग राइड्स, यू नो, कौन से होटल में रुकते हैं, होटल बुक कैसे करते हैं, ओके, वैसे लोग जो है हमको फॉलो करते हैं। ओके, दूसरे वो फॉलोवर होते हैं जो हमको रास्ते में मिलते हैं, बाइक देख के उनको पसंद आ गया, बात कर लिया, फ़ोटो खिंचा लिया, हाथ में ले लिया तो पसंद आ गया। तो जाहिर सी बात है कि ये लोग सब्सक्राइब तो करेंगे, बट वो वीडियो देखे ना देखे, वो फोर्सफुल थोड़ी है कि देखना ही पड़ेगा क्योंकि आपने मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाया है।
या आप मेरे से मिले हो तो। दूसरी बात यह है कि टेक्निकल चीज़ें, और अगर मैं आपसे साफ साफ अल्फाज में बात करूं तो अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, राइट, वैसे बंदे को लोग कम ही पसंद करते हैं, और ज़्यादातर लोग पसंद करते कि हाय गाइस, हेलो गाइस, आज मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं वहाँ, और क्यों, मतलब क्या है, तू सीधे बैठ भाई, तू सीधे रह के बात कर, दिक्कत क्या आ रही, मतलब वो हमारे दिमाग में वैसा चलता है ना। ज़रूरी नहीं है कि हम राइट ही है या हम रॉन्ग ही है, अलग अलग पर्सनालिटी है जो अलग अलग टाइप के चैनल बनाती है। फॉर एग्जांपल राजा रविशा का देख लो आप, उनके 1 मिलियन के ऊपर सब्सक्राइबर्स है। मुंबई कर निखिल देख लो, दोनों का जोनर अलग है, दोनों मोटो व्लॉगर है। अभी आपको मैं हट के ही बताऊंगा, मुर्तजा जुनेद देख लो, इतना बढ़िया टेक्निकल एनालिसिस वाला बंदा, ट्रायम्फ का मुझे खास बंदा लगता है वो, हालांकि शायद आई डोंट नो इफ़ आई एम राइट और रॉन्ग, बट वो ट्रायम्फ टाइगर चलाते भाई, और उनसे मुझे ज़िंदगी में एक बार मिलने का तो मन है, राइट। तो बहुत से ऐसे मोटो व्लॉगर होते हैं, सो आई प्रिफर टू बी लाइक मुर्तजा जुनेद, ओके। इंशाल्लाह कभी मौका मिलेगा तो जाके मिलेंगे और उनके साथ एक वीडियो बनाएंगे। बट एनीवेज, तो आप मुर्तजा जुनेद का भी सब्सक्राइबर देख लो, टेक्निकल बंदा, उसको बाइक के बारे में हर चीज़ पता है, बट आप उसका थंबनेल देख लो, नो क्रिंज, उनकी बातें देख लो, नो क्रिंज, एकदम सलीस जबान में, एकदम मिठास में, ओके, वो आपसे बात करेंगे, आपको टेक्निकली चीज़ें समझाएंगे, ओके। तो उनके व्यूज़ भी कम होते हैं, सब्सक्राइबर्स भी कम होते हैं, बट यहाँ पे एक पैच है, YouTube का जो अल्गोरिदम है वो व्यूज़ पे नहीं चलता, वो चलता है वीडियो का रिटेंशन पे। तो हमको भले 100 व्यूज़ आ जाए, बट जो बंदा हमारा वीडियो देखता है वो कम से कम 3-4 मिनट 5 मिनट तो देखता ही है, अगर 10 मिनट का वीडियो है तो। सो बेसिकली वीडियो का जो रिटेंशन है वो ऐसे व्लॉग्स में या ऐसे वीडियोस में ज़्यादा आता है चैनल पे। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा इतना ज़्यादा है, मेरा तो फ़िलहाल कम ही है, क्योंकि मुझे बहुत कम लोग जानते हैं, और मैं बहुत सी बार लेट भी हो जाता हूँ वीडियो अपलोड करने में। मैं मुर्तजा भाई जैसा नहीं हूँ कि आज व्लॉग किया और शाम को ही डाल दिया, सुबह राइड कर रहा हूँ, राइड के बीच में मैं एक होटल में रुका, खाना वाना खाया, मस्त खाट पे आधा घंटा सो गया, और वहीं पे जो है इंटरनेट कनेक्ट करके लैपटॉप में वीडियो एडिट करके डाल दिया। तो मैंने एक मुर्तजा भाई का वीडियो देखा था, वो कहीं तो गए थे, मस्त होटल में गए, लैपटॉप वैपटॉप निकाला, वीडियो एडिट किया, चाय वाय मंगाया, खाना वाना खाया, वीडियो एडिट करके अपलोड पर डाल दिया और सो गए, और आधा एक घंटे में जब तक वीडियो अपलोड हो गया, और भाई साहब वस्सलाम। तो हम वैसे भी नहीं हैं, ओके, वैसा बनने को टाइम लगेगा, बन जाएंगे, बनेंगे, बट टाइम लगेगा। तो यही रीज़न है कि आपको व्यूज़ कम क्यों आते हैं। और सेकंड चीज़ के एक और एक बहुत ख़तरनाक चीज़ हो गई अभी यूट्यूब के ऊपर, जो शॉर्ट्स आ गए। अभी शॉर्ट्स के फ़ायदे बहुत सारे हैं, बट नुकसान भी उसके बहुत सारे हैं, ओके। शॉर्ट्स आने की वजह से लोगों का जो ध्यान है ना, वो शॉर्ट वीडियोस पे बहुत ज़्यादा चल रहा है कंपेयर टू लॉन्गर वीडियोस। तो ये हमने मार्क किया कि जब से शॉर्ट्स जो है परमानेंटली लॉन्च हुआ है, मतलब यूट्यूब ने उसके साथ एक्सपेरिमेंट करना छोड़ दिया और उसको परमानेंट फीचर कर दिया, उसके बाद में जो है बहुत सारे चैनल पर गिरावट आई है, चाहे फिर वो कोई भी यूट्यूबर हो, उनका अगर लॉन्ग वीडियो है तो आई डोंट नो इफ यू विल अग्री विथ मी और नॉट, बट उनका लॉन्ग वीडियो है तो लॉन्ग वीडियो के ऊपर व्यूज़ घटे हैं, कम हुए हैं, क्योंकि वही बंदा जो है शॉर्ट्स भी बना रहा है। जैसे आप मेरे शॉर्ट्स को देखोगे, मेरे शॉर्ट्स बहुत सारे बहुत वायरल हुए हैं, बहुत सारे के ऊपर 1000 व्यूज़ भी नहीं आए, क्योंकि शॉर्ट्स का अभी एल्गोरिदम कुछ कन्फर्म है नहीं। लॉन्ग वीडियोज़ का पता है कि ओवरऑल अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो वो आपको 10 साल में भी रैंक करेगा, बट वो जब रैंक करेगा तब उसको कोई रोक नहीं पाएगा। शॉर्ट वीडियोज़ का ये है कि वो 3-4 दिन तक अगर वो रैंक कर गया तो कर गया, फिर भूल जाओ आपको उसके ऊपर से वीडियो आए,
तो अच्छा लगा आपने मुझे ये सवाल पूछा तो कि व्यूज कम क्यों आते हैं। बट यूजुअली मैं आपको एक बात बता दूं फिरोज भाई, मुझे व्यूज से मतलब नहीं होता। व्यूज मुझे 50 आए, 100 आए, 1,500, 2,000 व्यूज आए अगर चैनल एस्टेब्लिश्ड है तो। अगर मेरे जैसा चैनल है तो भले 100 व्यूज आए चलेगा, बट उसका रिटेंशन जो है बढ़िया होना चाहिए। और इसी के लिए जो है मैं वीडियो में रिक्वेस्ट डाल ही देता हूँ कि भाई वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और वीडियो को पूरा देखना भाई, क्योंकि वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तो YouTube जो है एल्गोरिदम में पुश नहीं करता और फिर वीडियो का जो रीच है ना वो कम हो जाता है। तो जाहिर सी बात है, और बहुत सी बार जो है ना आपका लोकेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मतलब अगर मैं रास्ते पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ और कोई बंदा स्टूडियो में बैठ कर रिकॉर्ड कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि रास्ते में जो है डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, विंड नॉइज होती है, आपको बराबर से समझ में आया नहीं आया। ओके, जैसे अभी मुर्तजा भाई जुनैद ने एक राइड शुरू किया और ऑल ओवर इंडिया राइड, तो उनका जो फर्स्ट वीडियो था एपिसोड पे, उसमें मैंने कमेंट किया कि सर आपका आवाज़ बराबर से नहीं आ रहा, माइक सही करिए। तो वो फर्स्ट वीडियो मैंने सिर्फ 1-1.5 मिनट देखा, फिर बंद कर दिया क्योंकि मुझे आवाज़ नहीं आ रहा था। हालांकि मुर्तजा भाई का मैं वीडियो पूरा देखता हूँ भाई, क्योंकि मैं उसी को फॉलो करता हूँ ज़्यादातर। मैं या तो प्रयास चौधरी है जिसको मैं फॉलो करता हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मैं देख लेना। तो 3-4 मोटो व्लॉगर ही है जिसको मैं फॉलो करता हूँ। हमको क्रिंज बनाने की आदत नहीं है, टेक्निकल वीडियोस डालते हैं हम। और जब मैं पर्पसली क्रिंज डाल देता हूँ एज पर द डिमांड, तो मैं बता देता हूँ कि भाई आज 1 क्रिंज हो गया, 2 क्रिंज हो गया। जैसे आज के वीडियो में कुछ क्रिंज डाला ही नहीं मैंने, क्योंकि जाहिर सी बात है कि लोग क्या करना चाहते हैं यूट्यूब के माध्यम से हमें पता नहीं, बट हम उनको एजुकेट करना चाहते हैं। ओके, एजुकेट आपको जो भी लेना है ले लेना। एनीवेज, सो बेसिकली हम कहाँ जाते हैं, कौन से रास्ते से जाते हैं, रास्ता कैसा है कैसा नहीं है, टारमैक क्या होता है, ऑफ रोडिंग क्या होती है, रास्ता बराबर है या नहीं, हम एक दूसरे अलग अलग स्टेट से रोड को कंपेयर भी करते हैं। ओके, अभी फ़िलहाल मैं डोमिनार का आंसर कर रहा हूँ, आगे जाके दूसरे सारे व्हीकल्स के ऊपर या बाइक्स के ऊपर, व्हीकल्स मतलब बाइक, वो कार वाले पे नहीं आ जाएंगे हम, उसको अभी आने को टाइम है। जब 2-3 मिलियन हो जाएंगे तब हम कार पे भी आ जाएंगे। सो उसके ऊपर सवाल जवाब होंगे तो उसके ऊपर हम काम करेंगे। बट फिलहाल जो है वो मोटा माटा यही है कि टेक्निकल वीडियोज़ बनाना है। वीडियो थोड़ा लंबा बनता है हमारा, तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों का सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। मतलब मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, फोर्सफुली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं आपको कि चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आप अगर हमारे वीडियो नहीं देखोगे तो YouTube का एल्गोरिदम उसको आगे पुश नहीं करेगा, उसको बोरिंग समझेगा। ओके, और वो पुश नहीं करेगा तो चैनल ग्रो नहीं करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चैनल अच्छी तरीके से ग्रो किया है। One eternity later. जब ये रास्ते से जाता हूँ तो सारी चीज़ें जो है वो याद आती है आपको, और ख़ास करके मुझे तो वो एक अलग एक्सपीरियंस होता है। जब मैं बुरहानपुर में एंटर करता हूँ तो मुझे कुछ अजीब फीलिंग होता है, अलग, मतलब घर पे आ गए, वेलकम होम वाला। सो गाइस दैट्स इट, ये वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको कोई फीडबैक देना चाहते हो या कुछ शिकायत करना चाहते हो तो भी कमेंट ज़रूर करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई कंटेंट इफ देर इज एन इशू विद द कंटेंट। बाकी तो वैसे सब ठीक ठाक है। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मिलते हैं अगले किसी व्लॉग में या मोटो व्लॉग में। तब तक के लिए बाइकर मुस्तफ़ा का आप सभी को सलाम बॉस।